कार मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। फिरोजाबाद में UP24 न्यूज का खास कार्यक्रम जनता आपको वोट क्यों दे का सफर लगातार चल रहा है। आज UP24 न्यूज की टीम ने वार्ड नंबर 13 की बीजेपी की प्रत्याशी विमला देवी और वार्ड की जनता से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। वार्ड में पानी की समस्या के साथ साथ अहम मुद्दा महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा को लेकर देखा गया। मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता आपको वोट क्यों दे। आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 13 में। हमारे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्रीय जनता और पार्षद प्रत्याशी वो मौजूद है, आज हम उनसे बात करते हैं। विमला जी, आपसे मेरा पहला सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता ने कुछ सोच के मुझे इस काबिल समझा है, इसलिए वोट देना चाहती है, मुझे खड़ा किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली है। जी, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड में जैसे सबसे पहली समस्या तो पानी की है जी। जनता जो है पानी के लिए काफी परेशान रहती है। उसके बाद जैसे सड़कों और गलियों की, आगे जैसे महिलाओं की सुरक्षा है और लेडीजों की जैसे सुरक्षा के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, बालिकाओं की, ये सारी चीजें हैं। जैसे और जैसे कॉलोनियों में गलियों की, नाले सफाई की भी समस्या यहाँ पर काफी है, तो उसके हिसाब से सभी लोग मुझसे सवाल करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय जनता भी मौजूद है, उनसे आप बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, आप हमें बताएंगी? जी, समस्याएं तो काफी है, यहाँ महिलाएं असुरक्षित है और दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है। पानी की मुख्य समस्या है, बिजली की है, गरीबी भी है। भाई, ये सारी चीजें देख के सोच रहे हैं प्रत्याशी कुछ करे। तो जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिला की सुरक्षा। तो आइए देखते हैं हम कि इनके जीतने के बाद ये महिला की सुरक्षा पर कितना ध्यान देते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये महिला की जो वो है ना, महिला सुरक्षा को लेकर इस चीज को कितना फोकस करती है। तो आप महिला की सुरक्षा के लिए क्या ऐसा करेंगे जो महिला को लगे, जो यहाँ के जो वार्ड की महिलाएं हैं उनको ये लगे कि वो हम बिल्कुल सुरक्षित है? जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें जगह जगह हर वो इस टाइप से, जैसे पुलिस सिक्योरिटी वगैरह होती है, उनके बूथ बनवाए जाएं, हर चौराहे पे पुलिस वाले होने चाहिए। जैसे अक्सर कर हम देखते हैं कि चौराहों पे मनमाने ढंग से तरीके से कुछ भी हो रहा है महिलाओं के, बहनों के साथ, लेकिन कोई भी पुलिस वाला नहीं दिखाई देता है, कोई भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिखाई देता है, तो उसे असुरक्षित है हमारे। आइए हमारे साथ इनके पति देव पुष्पेंद्र पाल सिंह भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं हम। पुष्पेंद्र पाल से आप मुझे बताइए, आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ जो महिलाएं, उन्होंने मुझे बताया कि महिला सुरक्षा, पानी की जो समस्याएं हैं, गंदगी की समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नगर पालिका भंग रही है। पहले यहाँ नगर पालिका थी, अब नगर निगम बन गया है। तो मेरा कहना है कि नगर निगम बन जाएगा, यहाँ का महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, पार्षद भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो विकास होगा। जब ऊपर से पूरा का पूरा पैसा आएगा और नीचे तक जाएगा और पूरा पैसा लगेगा तो विकास होगा उसमें। अन्य कोई अगर दूसरा बन जाता है तो ऊपर से पैसा आएगा, आधा पैसा नीचे तक आ पाएगा और पूरा लग भी नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी वो है कि जितना पैसा आता है वो सबका साथ सबका विकास के साथ में लगता है। तो जीतने के बाद आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? हमारी एक तो यही है अभी जो हमने बताया, जैसे पार्क का सौंदर्यीकरण, जैसे सभी जो भी यहाँ भी अच्छे अच्छे कॉलोनियाँ हैं या मोहल्ले हैं, वहाँ सौंदर्यीकरण के लिए पार्क के लिए पैसा आएगा उसमें लगाया जाए, सड़कें गलियाँ तैयार की जाएं, नालियों की सफाई की व्यवस्था हो, जैसे कर्मचारी लगाए जाएं जगह जगह समय से, जैसे कूड़े की गाड़ियाँ चलें तो कूड़ा लिया जाए, ये सारी। जैसे और कन्या विद्यालय में जैसे सभी को निःशुल्क आगे तक के लिए पढ़ाई मिले, ये सारी चीजें, बिजली का है जैसे। हम यहाँ मौजूद किसी और से भी बात करते हैं। जी, आप मुझे बताइए, जैसा कि मैंने देखा यहाँ इस वार्ड में पानी की सबसे बड़ा मुद्दा है, समस्या का वो पानी है। आपको लगता है कि जीतने के बाद जो पानी वार्ड में आपकी जो पानी की समस्या है उसको समाधान हो सकता है? जी हाँ, हमें अपनी प्रत्याशी पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे भी अच्छा काम किया है, उसमें हमारे प्रत्याशी पर हमें पूरा भरोसा है। पानी की व्यवस्था अच्छी होगी और महिलाओं की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी अच्छी करेंगे। मतलब पुलिस से कंप्लेंट करके, यहाँ चौकी की है ही व्यवस्था, तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी करेंगे। हमारी प्रत्याशी पर हमें फुल भरोसा है।
जैसा कि इन्होंने बताया, इन्हें अपने प्रत्याशी पर पूरा भरोसा है कि वो उनके जीतने के बाद जो महिला सुरक्षा है और पानी की जो समस्या है उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि जीतने के बाद, जैसा कि ये होता है जीतने के बाद जो नेता होते हैं वो अक्सर गायब हो जाते हैं। तो आइए हम जनता से बात करते हैं कि ऐसा कुछ इनको लगता है कि जीतने के बाद ये प्रत्याशी इनका जो समस्या है इनका समाधान करेंगे या फिर गायब हो जाएंगे, तो आपको ऐसा क्या लगता है? जी हमें लगता है बिल्कुल समस्या का समाधान करेंगे। जैसा कि हम नेताजी के बारे में जानते हैं, लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में नजर आते रहते हैं कार्य करते हुए। पौधारोपण हुआ था यहाँ पर पार्क में, तब हमने देखा था, जैसे और भी अन्य स्थानों पर हम पार्टी की तरफ से इन्हें हमेशा मिलते हैं, मतलब कार्य करते हैं। आपको भरोसा है कि जीतने के बाद ये आपकी जो समस्या है उनका समाधान पूरी तरह से मिलेगा आपको? जी लगता है। तो यहाँ की जो जनता है उनको पूरा भरोसा है कि इनके जो वार्ड में समस्या है उनका समाधान उनको पूरी तरह से मिल सकता है अगर विमला जी चुनाव जीती हैं तो। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी आप बुजुर्ग हैं, आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा होगा चुनाव जीतने के बाद जो समस्याएं होती हैं। वादे तो बहुत सारे नेता करते हैं कि जीतने के बाद हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो इस बार आपको क्या लगता है? इस बार ये लगता है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का अच्छा चयन किया है और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। सबका साथ सबका विकास ये पार्टी का नारा है। तो कौन शख्स मौजूद हैं वो कुछ कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशी के लिए, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी जी मैम, हम लोगों ने जो हमारा समाज है, हमारे समाज ने सबका पूरी मनसा की बात हमने हमारे प्रत्याशी को उतारा है ताकि वो हमारे समाज का जो हमारे समाज में कमियां हैं, जो हमारे समाज में दुर्भावनाएं हैं वो दूर हो सकें। सपोज लड़कियां हमारे समाज में असुरक्षित हैं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, पानी की हमारे यहाँ बहुत कमी है, पानी हमारे यहाँ नहीं आता है, बिजली बात पर बिजली काट। पानी की जो समस्या है वो किस तरह की समस्या है? पानी आता ही नहीं है, पानी गंदा है, किस तरह की समस्या है पानी की? पानी आता भी नहीं है और पानी जो आता है वो पानी बहुत गंदा और खारा आता है। तो पानी समय पर भी नहीं आता? पानी समय पर भी नहीं आता है, बिजली उस समय काट दी जाती है जिसमें हमारा पानी आने वाला होता है, देन पानी भी नहीं आ पाता और बिजली का हमें कोई फायदा भी नहीं हो पाता है। देन हम यही चाहते हैं हमारा प्रत्याशी अच्छा काम करे, हमें हमारे प्रत्याशी पर भरोसा भी है और वो ऐसा काम करेंगे। तो यहाँ की जो जनता है उनको पूरा भरोसा है कि जो इनकी प्रत्याशी हैं विमला देवी जी वो उनके वार्ड का विकास करेंगी और उनकी जो समस्याएं हैं पानी की, बिजली की, सड़कों की, उसका समाधान पूरी तरह से उनको देंगी। क्या आप चुनाव जीतने के बाद सबको साथ लेकर चलेंगी, इस पूरे वार्ड का विकास करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसीलिए खड़े हुए हैं जनता के सामने कि हम सबको सबकी तरफ ध्यान रखते हुए और वही विकास करना चाहते हैं जिससे हमारी जनता खुश हो, उनको सुविधाएं मिले और सारी परेशानियां उनकी दूर करना चाहती हूँ, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो या पानी का मुद्दा हो या बिजली का हो या सड़कों का हो। इस तरह से यहाँ जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब में निकल के समस्या यही आती है कि जैसे गलियाँ टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं हैं, सफाई की समस्या है और जैसे वृक्षों की कमी है, वृक्षारोपण वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो विशेष ध्यान रखते हुए और मैं अधिक से अधिक सबके लिए यही सेवा भाव रखती हूँ कि सबके साथ सबका विकास हो, सबका साथ। इसी के चलते हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी एक नए वार्ड में जनता की समस्याओं के साथ। नमस्कार।